हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, यह हमारे शारीरिक शिक्षा में किस तरह से महत्व रखता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, यानी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के बारे में मैं बना चुकी हूँ वीडियो। आप उसको देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अपने फिजिकल एजुकेशन के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रिपरेशन आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देख के कर सकते हैं एंड अपने सेल्फ स्टडी भी बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है। दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि स्पोर्ट ट्रेनिंग में एक खिलाड़ी को अच्छे से उसके प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है, जिस फील्ड में वो ट्रेनिंग ले रहा है उस फील्ड में उसको उच्च शिखर तक पहुंचाया जाता है, उसके सभी अंगों पर प्रकाश डाला जाता है कि वो उस चीज़ में कैसे फिट हो सके, उस चीज़ में पूरी नॉलेज कैसे ले सके, उस फील्ड में कैसे अपने को पूरी तरह पारंगत कर सके। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है, यह एक किसी कार्य को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया है, यानी कोई क्यों भी कार्य हम करते हैं तो उससे पहले हम उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान अर्जन करते हैं, उसके सभी पार्टों पर ध्यान देते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, वो इस समय इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, यानी इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। जैसे हम अदर सब्जेक्ट, नॉर्मल सब्जेक्ट की हम बात करें कि उस चीज़ को हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं एंड बहुत जगहों से ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो एक प्रकार का ट्रेनिंग ही हुआ। यदि हम उस तैयार कर रहे हैं उस चीज़ में, जिस चीज़ को हम अर्जन करना चाहते हैं, तो वो एक प्रकार का ट्रेनिंग ही हुआ। उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, जिस फील्ड में खिलाड़ी जिस चीज़ को सीख रहा है उस चीज़ को लिए उसको तैयार किया जा रहा है, उसमें टीच किया जा रहा है, उसके हर एक पार्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको पूरी संपूर्ण रूप से तैयार किया जा रहा है कि वो प्रतियोगिता में कैसे उच्च से उच्च प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों, यह जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है, यह कार्य करने के लिए तैयारी को दर्शाता है। ठीक है, तो वह जो अपने प्रदर्शन करने से पूर्व जो भी प्रक्रियाएं कर रहा है उसको सीखने के लिए, वही हमारा ट्रेनिंग हुआ। यानी स्पोर्ट में यदि किसी खेल की तैयारी कर रहा है प्रतियोगिता से पूर्व, तो उसका ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, तो यही आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग है। यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है, यह एक प्रक्रिया है, तैयारी की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो है दिनों, महीनों, वर्षों तक चलती है। कैसे चलती है? दिनों, महीनों, वर्षों तक चलती है। जैसे कि प्रियोडाइजेशन होता है, जैसे कि जब मैं प्रियोडाइजेशन के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरी डिटेल में समझाऊंगी प्रियोडाइजेशन क्या है, उसमें कितने फेजेज होते हैं, कि ट्रेनिंग साइकिल क्या होता है, जैसे मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल, माइक्रो साइकिल की कितनी अवधि होती है, कैसे संपन्न किया जाता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज मेरा मकसद है सिर्फ स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके किस कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में बताना। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, जैसा कि आप समझे, तो दोस्तों, जैसा कि स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है, कई खेल विज्ञानों का योग है, कई खेल विज्ञानों का। जैसे कि जब स्पोर्ट ट्रेनिंग हम देते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, किसी को इंजरी हो जाता है, किसी को यांत्रिक रूप से समस्या आती है, किसी को गति करने में समस्या होती है, किसी का वृद्धि विकास पूर्ण नहीं होता है, कोई परिपक्व नहीं होता है, तो इन सभी का ज्ञान अर्जन करने के लिए भी अन्य विषयों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कोई स्पोर्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं तो किसी को इंजरी हो गया तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता होगी, तो इसमें औषधि विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो युक्ति कौशल को सीखने के लिए हमें गति और लचकता की आवश्यकता होती है, तो इसमें गति विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। जो यांत्रिकी, यानी कि हमारे जो उपकरण हैं, जो हमारे स्पोर्ट के उपकरण हैं, उनकी बनावट क्या है, कितने अंश उसके होते हैं, कितने किलोग्राम का होता है, और वो उसकी यांत्रिक गतिविधि क्या है, क्या उस माप के अनुसार वो यंत्र बना है कि नहीं बना है, उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। उसमें जो स्पोर्ट ट्रेनिंग में जो खिलाड़ी है उस किस तरीके से उसको यूज करता है, तो जो यांत्रिकी विज्ञान का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। एंड खेल कार्य में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, एंड वृद्धि और विकास का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि स्पोर्ट ट्रेनिंग देने से पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि यह इसको सीखने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है कि नहीं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी कि इसकी एज क्या हो रही है, इसकी
मानसिक विकास कितना हुआ है, शारीरिक विकास कितना हुआ है, क्या उसको सीखने के लिए इसकी एज है या उच्च स्तर तक है या नहीं, एंड शिक्षा, ये सभी सब्जेक्ट भी इसमें सम्मिलित होते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के दौरान। तो दोस्तों यह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। क्या है? शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग कैसी प्रक्रिया है, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग शैक्षणिक प्रक्रिया है, यानी कई बार ऐसा पूछा जाता है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग किस पर आधारित होता है, तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। स्पोर्ट ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है कि खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। इसका क्या उद्देश्य होता है? खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना, यही स्पोर्ट ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य होता है। कि क्या हम ट्रेनिंग दें कि उस चीज में वो पारंगत हो सके, अपनी प्रदर्शन क्षमता को उच्च स्तर का बना सके। तो दोस्तों इसकी शैक्षिक प्रक्रिया है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। खेल स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में आप समझ गए, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार हम इसको बताते हैं। जैसे कि मार्टिन ने कहा है, मार्टिन ने 1979 में कहा है कि खेल ट्रेनिंग जो है एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है। देखिएगा यही इसका की पॉइंट है आपको याद करने के लिए। कभी देगा कि खेल ट्रेनिंग को योजनाबद्ध या नियंत्रित प्रक्रिया किसने कहा है, तो मार्टिन ने कहा है। तो इन्होंने क्या कहा इस पर ट्रेनिंग के बारे में, कि खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, योजनाबद्ध नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और खेल प्रदर्शन में होने वाली वृद्धि का पता चलता है कि कितना वृद्धि हुआ, और कार्य करने की योग्यता के साथ साथ उसके व्यवहार एवं अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी पता चलता है स्पोर्ट ट्रेनिंग में, ये आपके मार्टिन ने कहा है। एंड दूसरे विशेषज्ञ है मैट विज्यू जी ने 1981 में कहा है कि खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी के आधार स्वरूप है। यानी कि खेल ट्रेनिंग को खिलाड़ी का आधार स्वरूप किसने कहा है, तो मैट विज्यू ने कहा है 1981 में। ठीक है, खेल ट्रेनिंग को एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया किसने कहा है, तो मार्टिन ने। खेल ट्रेनिंग को खिलाड़ी का आधार स्वरूप किसने कहा है, तो मैट विज्यू ने। तो दोस्तों आई होप कि आपकी स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में पूर्ण नॉलेज हो गया होगा। अब मैं बात करूंगी कि हमारे शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, यानी महत्व क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि यह शारीरिक दक्षता या अनुकूलन में विकास करता है, हमारे सारी फिटनेस में, और हम कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं सब में, इसका विकास करता है। जैसे कि खेल ट्रेनिंग द्वारा शारीरिक दक्षता के कारकों का विकास होता है, जैसे स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, इंड्योरेंस कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसा होना चाहिए, उसकी स्पीड कैसा होना चाहिए, उसके हम कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, उसको समन्वय कैसे करते हैं, सब में तालमेल कैसे बैठाते हैं, इन सभी चीज़ों के खिलाड़ी का खेल शरीर खेल के प्रति अपना सामंजस्य बैठा लेता है, ये चीज़ हमारा डेवलप होता है स्पोर्ट ट्रेनिंग से। ठीक है, दूसरा है तकनीकी कौशल, यानी शारीरिक शिक्षा में तकनीकी कौशल का विकास होता है हमारे स्पोर्ट ट्रेनिंग से, यानी खेल प्रशिक्षण खेल ट्रेनिंग से तकनीकी कौशल में सुधार लाया जाता है जिससे कि खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सकता है। एंड तीसरा है युक्तियुक्त क्षमता का विकास होता है, यानी टेक्निकल इफिशियंसी का विकास होता है, इसके द्वारा खिलाड़ी की युक्ति क्षमता का विकास होता है। क्षमता के विकास के लिए 3 तत्वों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है, कि वो नियमों का ज्ञान अर्जन करें, युक्तियुक्त कौशल को सीखे, उसमें योग्यता हासिल करें। ठीक है, एंड मनोवैज्ञानिक तैयारी का विकास होता है। ये फिर इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल स्पोर्ट ट्रेनिंग से मनोवैज्ञानिक, जैसे कि बहुत सारे इस तरह आते हैं ट्रेनिंग के दौरान, कि ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी के मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है, कि यह तैयारी प्रतियोगिता से पूर्व, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के बाद, तीनों कालों में लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अंतर्गत खिलाड़ी का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सम्मिलित होता है, जिसमें खिलाड़ी की आदतें, व्यवहार, दैनिक कार्यक्रम, नियंत्रण, नियमों का ज्ञान, विरोधी के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते समय उसकी मनोदशा क्या होती है, उसकी भय, चिंता, कुंठा, रुचि, नियंत्रण आदि तथ्यों का ज्ञान और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, मनोवैज्ञानिक तैयारी उसका विकास होता है उसके। अंत में होता है मूल्यांकन, यानी कि स्पोर्ट ट्रेनिंग से उसके खिलाड़ी के मूल्यांकन करने में हमको बहुत ही सहायता करती है, कि उसके कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और उसमें क्या कमी है और किस चीज़ की कमी को सुधारने की आवश्यकता है, ये सब प्रदर्शन के विकास के लिए
प्रयास करता है। इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यह हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी के संपूर्ण विकास किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेल इस ट्रेनिंग यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। स्पोर्ट ट्रेनिंग के बिना इसके व्यक्तित्व का अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, यह क्यों किया जाता है और शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड दोस्तों स्पोर्ट ट्रेनिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कारक होते हैं, यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत हमारे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, चाल और समन्वय एकता आता है। ये मेन पांच कंपोनेंट्स मुख्य हैं। कभी पूछा जाता है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो पांच कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये पांच कंपोनेंट्स होते हैं मुख्य रूप से। इन पांचों कंपोनेंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग वीडियो मैं लाऊंगी, जिसके बारे में फुल डिटेल में बात करूंगी। इस टॉपिक को आपको गहनता से अध्ययन करना होगा, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट को जानना होगा, जिससे कि आप पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आसानी से उसको हल कर सके, क्योंकि इसका अध्ययन बहुत डीपली करने पर ही समझ में आता है। इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, इसको सभी लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और कितना ही पढ़ते हैं जाकर के क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो इसलिए इसको डीपली पढ़ना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और अन्य टॉपिक जैसे कि लोड एंड रिकवरी एंड लोड एंड एडाप्टेशन, सुपर कंपनसेशन, ओवरलोड, ट्रेनिंग साइकिल, प्रियोटाइजेशन, इन सब के बारे में वीडियो में बनाऊंगी। आप बस डिटेल में पढ़ते जाइए और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते जाइए, मैं सभी टॉपिक पर आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे अकॉर्डिंग मैं वीडियो लाती रहूंगी। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके। एंड दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।